हेलो दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों मैं इस वीडियोस में अगर आपको बताने वाला हूं कि आप जो है प्ले स्टोर से यूज़ करते हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, और उसमें जो है काफ़ी सारे जो है नोटिफिकेशन आपको आते रहते हैं आपके फ़ोन में, और आपको काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो इस हाल में दोस्तों अगर आप परेशान हो रहे हैं नोटिफिकेशन से प्ले स्टोर के, तो इस प्ले स्टोर के नोटिफिकेशन को कैसे ऑफ़ करें सिर्फ एक ही क्लिक में, तो दोस्तों अगर आपको सीखना है तो इस वीडियोज़ को कम्प्लीटली पूरा देखिए, और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी ओरिजिनल लगे तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए इस चीज़ को हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फोन का जो डाटा है डाटा को आपको ऑन कर देना है, उसके बाद जो प्ले स्टोर है प्ले स्टोर को आपको ओपन कर लेना है। ओके, जैसे ही ओपन करोगे कुछ इस तरह से आएंगे, तो आपको क्या करना है ऊपर की ओर जो लोगो देखने को मिलेंगे आपके आईडी का, उसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों कुछ जो है इस तरह से आएंगे, तो आपको नीचे की ओर आपको जो है सेटिंग जो है देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से एक मेनू जो है आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है जनरल, तो इसी जनरल में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आएंगे, और यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसी नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने जो है कुछ जो है इस तरह से आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पे अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये उसके सामने जो ये जो है अकाउंट नोटिफिकेशन अबाउट अपकमिंग चार्जिंग टू प्रॉब्लम्स हो, ये जो फर्स्ट वाला जो है इसको आपको इस तरह करके टिक लगा देना है। एंड उसके बाद है यहाँ पे नीचे की ओर देख रहे हैं अपडेट अवेलेबल, ये जो है नोटिफाई व्हेन अपडेट्स, यानी जो भी ऐप्स जो है अपडेट मांगेगा क्या उसके लिए नोटिफिकेशन रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो इसको भी आपको इस तरह करना है। ओके, कुछ जो है इस तरह से रहेंगे तो आपको इस तरह कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट कंप्लीट, अगर अपडेट कंप्लीट हो गया क्या उसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं या फिर बंद करना चाहते हैं, अगर बंद करना चाहते हैं तो इसको भी आपको इस तरह करके क्लिक कर लेना। इस तरह से आएंगे तो यहाँ पे है अलाउ नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ये जो है यहाँ से आपको बैक आना है, नोटिफिकेशन आपके जो है फ़ोन में वो अब नहीं होगा। ओके, जब भी कुछ भी ये एप्लीकेशन में प्ले स्टोर में अपडेट हो जाएंगे या फिर अपडेट के लिए पूछेंगे या फिर अकाउंट के लिए कुछ आएंगे, तो आपको एक भी नोटिफिकेशन जो है प्ले स्टोर की मदद से आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों इसी तरह आप जो है अपने प्ले स्टोर के नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन करना चाहते हैं तो फिर से आपको इस तरह क्लिक कर लेना है, इस तरह आएगा, इस तरह से आपको अनक्लिक कर लेना है, ये सबको भी आपको अगर क्लिक करना है तो इस तरह से आएगा, इस तरह करके सबको आपको क्लिक कर लेना है। तो कि मैं यहाँ पे फिलहाल रहने देता हूँ, तो जो भी आप नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं या फिर ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को ऑफ एंड ऑन जो है कर सकते हैं एक ही क्लिक में। सो दोस्तों आई होप की वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दे, और भी इसी तरह टेक्निकली वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको जरा से भी ओरिजिनल लगे तो अपने दोस्त यार के पास शेयर कर देना ताकि वो भी इस चीज़ को सीख पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।